नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन ज्ञान चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने निफ्टी के 50 स्टॉक को डिस्कस करा था, जिसे निफ्टी 50 ही बोलते हैं, तो जिसके ऊपर हमारा इंडेक्स डिपेंड करता है। आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों निफ्टी के नेक्स्ट 50 स्टॉक को, यानी कल हमने निफ्टी के 50 स्टॉक को डिस्कस करा था, उसके बाद जो नेक्स्ट 50 स्टॉक होते हैं टॉप, उन्हें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा अदानी ग्रीन है, और अदानी ग्रीन तो दोस्तों आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, काफ़ी दिन पहले ही निकल चुका था, तो इसमें मैंने कहा था कि अभी कुछ करना नहीं है आप लोगों को जब तक ये कोई फ्रेश एंट्री देना। ये देख लो आप लोग, पहले बहुत पहले निकल चुका है दोस्तों स्टॉक, तो इसके अंदर कुछ बन नहीं रहा। हाँ, लेकिन अगर आप लोगों को लगता है, अगर आप रिस्की ट्रेडर हो, तो यहाँ पर आप लोग इस स्टॉक को 1875 पे कंसिडर कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है 1571 आपका एसएल होगा। 1571 के पास जाते हैं तो आप यहाँ पर उसे एवरेज करोगे। हालांकि मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगा दोस्तों, जो भी स्टॉक निकल चुके होते हैं आप उन्हें इग्नोर कर दिया करो, जहाँ पर भी फ्रेश बाइंग आती है उन्हें कंसिडर करा करो। तो अभी मुझे नहीं लगता कि इस स्टॉक को आप लोगों को कंसिडर करना चाहिए, लेकिन अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो 1875 के पास इसे बाय कर सकते हो, और 1571 आपका एसएल होगा। वहाँ पर जब स्टॉक जाता है तो एक बार उसे वहाँ पर एवरेज करना, और उसके नीचे एक दो दिन रहता है तो आप लोग वहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। अदानी ग्रीन के बाद अपना नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों डीमार्ट। डीमार्ट में देखते हैं क्या कहानी चल रही है। डीमार्ट अभी दोस्तों क्लाउड के नीचे ही है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा मेरी स्क्रीन पर। तो डीमार्ट में जब तक प्राइस क्लाउड के ऊपर नहीं जाएगा हम कंसिडर नहीं करेंगे। अदानी एंड अपना नेक्स्ट स्टॉक, और मैंने इस स्टॉक को दोस्तों पहले ही कहा था आप लोग इसे कंसिडर कर सकते थे। उस टाइम मैंने इस स्टॉक को बताया था कि स्टॉक आपको 16 मार्च को 1758 के आसपास मिलता था, अब 1832 है। तो स्टॉक क्लाउड के ऊपर निकला है दोस्तों, आप लोग इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हो, लेकिन बेहतर होगा अगर आपको ये स्टॉक 1762 के आसपास मिले, तो 1762 पर अगर मिलता है तो वहाँ पर अपनी एंट्री ले लेना। और आपको इसके अंदर जो टारगेट है दोस्तों 1940 तक ईजिली देखने को मिल सकता है, और 1900 के आसपास जाके दोस्तों एक बार डबल टॉप की सिचुएशन बनेगी, तो प्राइस एक बार वहाँ से रिटर्न करेगा। अब अगर हम इस स्टॉक को कंसिडर कर दें तो इस स्टॉक को हमें कहाँ पर एवरेज करना है और कहाँ पर एग्जिट कर जाना है वो समझ लेते हैं। तो आपको 1512 इसका लास्ट एवरेज है, इससे पहले आप 1660 यानी कि 1660 पर इसे एवरेज करेंगे, फिर 1512 पर एवरेज करेंगे, और 1512 के नीचे अगर एक दो दिन रहता है तो आप लोग स्टॉक से बाहर निकल जाएंगे। अदानी एंड के बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट स्टॉक है VEDL, और ये स्टॉक तो दोस्तों पहले ही निकल चुका है तो इसे कंसिडर नहीं करेंगे। आज जो कैंडल बनी है दोस्तों, ये काफ़ी नेगेटिव कैंडल बनी है, तो मुझे लगता है कि अगर आप लोगों ने, मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो 404 पर दोस्तों अगर आप लोगों के पास स्टॉक है तो एक बार इसके अंदर प्रॉफिट जरूर बुक कर लेना 50%। अगर आपके पास 10 शेयर हैं तो 5 शेयर में आपकी प्रॉफिट बुकिंग हो जानी चाहिए दोस्तों यहाँ पर, बाकी 5 शेयर धके रखो, स्टॉक को राइड करेंगे अगर राइड करवाते हैं तो। पिडिलाइट अपना नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों, और पिडिलाइट के अंदर दोस्तों स्टॉक जाने की कोशिश तो कर रहा था क्लाउड के ऊपर, लेकिन जाने से पहले ही नीचे आ गया। देखते हैं जब क्लाउड के ऊपर जाएगा तो ही कंसिडर करेंगे पिडिलाइट को। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों हमारा एलटी में देखते हैं क्या सिचुएशन बन रखी है। अभी दोस्तों क्लाउड के हिसाब से तो नेगेटिव है चार्ट, हालांकि बॉटम पे काफ़ी अच्छी कैंडल बना के ऊपर निकल रहे हैं, लेकिन क्लाउड के हिसाब से नेगेटिव है तो कंसिडर नहीं करना है। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों हमारा डाबर, और डाबर में देखते हैं, डाबर भी देखो दोस्तों मैं क्यों कहता हूँ, चीज़ों को समझो आप लोग। अगर आप लोग जितना ज़्यादा फोकस लर्निंग के ऊपर करोगे उतना आप लोगों को बेनिफिट देखने को मिलेगा। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ प्राइस कैसे दोस्तों जाके टकराता है। इस जगह पर देखो क्लाउड के पास गया प्राइस और वहीं से टकरा के नीचे आ गया, इससे पहले यहाँ पर भी गया था और टकरा के नीचे आ गया। तो आप लोग वेट करा करो दोस्तों, जब क्लाउड के ऊपर हमारी बाइंग आएगी उसके बाद ही हम एंट्री लेंगे, उससे पहले हम लोगों को एंट्री नहीं लेनी है। डाबर के बाद दोस्तों अपना नेक्स्ट स्टॉक है डीएलएफ, और डीएलएफ के अंदर भी अभी एंट्री दिख नहीं रही है,
तो मुझे लगता है इसके अंदर वेट करना चाहिए आप लोगों को। अभी डीएलएफ के बाद अपना नेक्स्ट स्टॉक है सीमेंस, और सीमेंस के अंदर भी दोस्तों एक जो एनटीआर रखी थी उसके हिसाब से दोस्तों आप लोगों को स्टॉक को 22-24 के आसपास एवरेज करना है। जिन्होंने भी स्टॉक को दोस्तों पहले ले रखा है तो आप लोग 22-24 के आसपास स्टॉक को एवरेज कर सकते हो, और अगर स्टॉक इसके बाद 2141 पर एवरेज करना, और 2141 के नीचे अगर एक दो दिन रहता है तो स्टॉक से आप लोग निकल जाओगे दोस्तों। तो सीमेंस के अंदर आप लोग दोस्तों मैंने बताया होगा पहले भी अपनी वीडियो के अंदर कि इसके अंदर एनटीआर रखी है, और 2477 का इसके अंदर हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। 22-24 के पास स्टॉक को एवरेज करना है आप लोगों को, और फाइनल एवरेज आप लोगों को करना है दोस्तों 2141 पर। 2141 के नीचे अगर स्टॉक जाता है तो आप लोग इमीडिएट एग्जिट कर जाओगे दोस्तों, एक दो दिन देखने के बाद एग्जिट कर जाना। सीमेंस के बाद दोस्तों अपना नेक्स्ट स्टॉक है एसबीआई कार्ड, और एसबीआई कार्ड में देखते हैं दोस्तों क्या कहानी बनती है। अभी चार्ट नेगेटिव है दोस्तों, हालांकि बॉटम पे काफ़ी अच्छी कैंडल बना के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि क्लाउड के ऊपर नहीं आया तो इसे अभी कंसिडर नहीं करेंगे। गोदरेज सीपी अपना नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों, और ये चार्ट तो काफ़ी नेगेटिव दिख रहा है, वेट करना चाहिए दोस्तों इस स्टॉक के अंदर। गोदरेज सीपी के बाद अपना नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों हैवेल्स, और हैवेल्स भी अभी नेगेटिव जोन में ही चल रहा है दोस्तों, वेट करो जब चार्ट पॉजिटिव होगा तभी कंसिडर करेंगे। इंडिगो अपना नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों, और इंडिगो भी अभी चार्ट नेगेटिव है दोस्तों, जब तक पॉजिटिव नहीं होगा तब तक नहीं कंसिडर करेंगे। जो मैं कह रहा हूँ कि नेगेटिव है दोस्तों ये इचिमोकू क्लाउड के बेस पर कह रहा हूँ। अपना नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों इंडिगो के बाद आईसीआईसी प्रोली अपना नेक्स्ट स्टॉक होगा, कुछ एरर दिखा रहे दोस्तों, देखते हैं क्या एरर है। आईसीआईसी प्रोली, और इसका भी चार्ट आप लोगों को दिख ही रहा होगा पी क्लाउड से काफ़ी नीचे है तो इग्नोर करना चाहिए। बजर पॉइंट अपना नेक्स्ट कैंडिडेट, और बजर पॉइंट में क्या कहानी बन रखी है, इसका भी दोस्तों बॉटम पे काफ़ी अच्छी कैंडल बना के ऊपर जा रहा है, इन क्लाउड के पास जाके वहाँ से रिवर्स हुआ है, तो जब तक क्लाउड के ऊपर नहीं जाएगा हम लोग एंट्री नहीं लेंगे। बजर पैंट के बाद अपना नेक्स्ट कैंडिडेट है दोस्तों गैल, और गैल में देखते हैं क्या कहानी बनी है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी होगा कि एक बार इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ रखी है दोस्तों, प्रॉफिट बुक कर लेना, और अगर आप लोगों ने प्रॉफिट बुक करा है तो आप लोग यहाँ पर एवरेज कर सकते हो। जो नए ट्रेडर हैं दोस्तों जिन्हें जो रिस्क ले सकते हैं वो 143 पर इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं, और 131 आपका एसएल होगा। 143 पर आप लोगों को स्टॉक को कंसिडर करना है, दोबारा से आप 131 पर कंसिडर करोगे, और 131 के नीचे अगर स्टॉक जाता है तो आप लोगों का एक दो दिन वेट करना और उसके बाद एग्जिट कर जाना। तो 143 और 131 ध्यान रखना दो रेट इसकी। मारिको अपना नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों, और निकलने के बाद स्टॉक दोबारा से एवरेज करने की जगह पर आ रखा है। इसके अंदर दोस्तों मैंने दिया भी होगा आप लोगों को, और एकदम जहां पर मैंने बताया था कि इसका जो फर्स्ट टारगेट है इसने वहीं पर गया और वहीं से टकरा के नीचे आ गया। आप लोग दोस्तों मेरी पुरानी वीडियो में जाके देखना, मैंने बताया था 533 एक इसका अच्छा रेजिस्टेंस होगा तो वहाँ पर जाके टकराएगा, और मैंने एंट्री भी बताई थी इसमें क्लाउड के जब ऊपर स्टॉक आया था तो मैंने आप लोगों को कहा था इस स्टॉक को आप कंसिडर कर सकते हो आप लोग। और अगर आप लोगों ने प्रॉफिट बुक करा है 533 पर तो आप लोग दोस्तों 493 पर एक बार स्टॉक को एवरेज कर सकते हो दोबारा से, जितने में आपने प्रॉफिट बुक करा था। बाकी ध्यान रखना स्टॉक को दोस्तों आप लोगों को 463 एक इसका अच्छा सपोर्ट होगा, तो 463 के पास जाते हैं तो एक बार वहाँ पर एवरेज करेंगे, और 463 के नीचे एक दो दिन रहते हैं तो आप लोग इस स्टॉक से एग्जिट कर जाएंगे। मारिको के बाद दोस्तों अपना नेक्स्ट स्टॉक है आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस,
आईसीआईसीजीआई का चार्ट तो भी दोस्तों नेगेटिव है, अभी इसे कंसिडर करने का टाइम नहीं है। मैकडेवल अपना नेक्स्ट स्टॉक, और दारू की कंपनी दोस्तों ऊपर निकल चुकी है, आप इसे कंसिडर कर सकते हो। अब इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी आ रखी है, आप लोगों को खुद भी नज़र आ रहा होगा, क्लाउड के ऊपर है दोस्तों 800, अभी आप लोगों को 915 पे इसे कंसिडर करना है। हालांकि 954 दोस्तों इसका एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस होगा, 950 के आसपास ही इसका सब, 950 इसके लिए एक डबल टॉप की सिचुएशन बनाएगा, तो हो सकता है वहाँ से एक बार हल्का सा टकराए। लेकिन अगर ये 954 को क्रॉस कर जाता है तो आप लोगों को बड़ी जल्दी दोस्तों इसके अंदर जो टारगेट हैं वो 1017 के देखने को मिल सकते हैं। अभी स्टॉक 915 पे चल रहे हैं तो 1017 का टारगेट दिखाएगा, लेकिन एक बार 950 पे जाके स्टॉक ज़रूर टकराएगा दोस्तों। और अगर नीचे जाता है तो आपको ध्यान रखना है 829 पर आप लोगों को स्टॉक को एवरेज करना है, और 829 के अगर नीचे एक दो दिन रहता है तो आप लोग एग्जिट कर जाएंगे। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों अपना मदरसन सुमी, हालांकि मेरा बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है दोस्तों, लेकिन इन दिनों बियर की मार खा रहे हैं, बियर मार्केट में फंसा हुआ है दोस्तों। मदरसन सुमी में कोई एंट्री नहीं दिख रही दोस्तों, अभी वेट करो इसके अंदर। अगला जो स्टॉक है दोस्तों नौकरी इन्फो एज के नाम से भी आपको मिल जाएगा, और चार्ट अभी नेगेटिव है तो अभी मुझे नहीं लगता कि आप इसे कंसिडर करेंगे, वेट को दोस्तों, एक बार चार्ट पॉजिटिव होगा। काफ़ी अच्छा स्टॉक है दोस्तों नौकरी भी। अंबुजा सीमेंट अपना नेक्स्ट कैंडिडेट, और अभी बॉटम पे ही दोस्तों नाच रहा है ये, तो एंट्री नहीं है अभी, जब तक ये बॉटम पे ही है तब तक इसे बॉटम पे रहने दो। इंडस टावर अपना नेक्स्ट कैंडिडेट है, और इसका चार्ट तो और ज़्यादा नेगेटिव है, अगर ब्रेक करेगा तो हो सकता है और ज़्यादा नीचे चला जाए, तो नेगेटिव दिख रहा है अभी इंडस टावर। मुथूट फाइनेंस अपना नेक्स्ट स्टॉक, चार्ट नेगेटिव है, इग्नोर करना चाहिए भी आप लोगों को स्टॉक को दोस्तों। मार्केट के अंदर क्या लेना है इससे जरूरी है क्या छोड़ना है, तो जब तक चार्ट पॉजिटिव ना हो दोस्तों आप लोग एंट्री मत लिया करो। बजाज होल्डिंग अपना नेक्स्ट कैंडिडेट, और अगर इस स्टॉक को किसी ने लिया है दोस्तों तो ध्यान रखना आप लोगों का ऐसा लग चुका है, इसने 17-18 फरवरी के आसपास एंट्री दी थी, और एंट्री देने के बाद स्टॉक ने दोस्तों 4874 को टच कर दिया था, जो कि उसका एसएल लेवल था। तो अगर आप लोग स्टॉक से बाहर निकल जाओ तो बढ़िया है, जब तक पॉजिटिव ना हो चार्ट तब तक वेट करना चाहिए। हालांकि लॉन्ग टर्म के लिए रखा है दोस्तों, काफ़ी अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पोजिशनल में ले रखा है तो दोस्तों अभी स्टॉक आपको कुछ दिन सताएगा। अदानी ट्रांसफर दोस्तों अगर आप लोगों के पास है तो एक बार प्रॉफिट जरूर बुक कर लेना, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ रखी है दोस्तों, मुझे लगता है प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो अगर आपके पास 10 स्टॉक हैं तो 5 स्टॉक में जरूर प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बाकी 5 को राइड कीजिए। अदानी ट्रांस के बाद अपना नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों PGHL, और PGHL का चार्ट तो दोस्तों काफ़ी नेगेटिव है, अभी तो इससे दूरी रहो तो बढ़िया रहेगा दोस्तों। PGHL के बाद नेक्स्ट स्टॉक है PEL, दोस्तों ऐसा नहीं है कि चार्ट पॉजिटिव नहीं होते हैं, नेगेटिव होने के बाद भी तो चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, है ना, लेकिन एक बार जब प्रॉपर तरीके से क्लाउड के ऊपर आ जाए तो उसके अंदर दोस्तों थोड़ी सी पावर आ जाती है, तो वो जब गिरता भी है तो भी हमें मौका देता है। अभी तो जो चीज़ गिर रही है दोस्तों पता नहीं कहाँ तक गिरेगी, तो उसे लेके क्या फ़ायदा है अभी, तो एक अच्छा जो मतलब मूवमेंट जिसके अंदर होने वाली है उस स्टॉक को कंसिडर करो। हालांकि उसके अंदर भी हमारे असर लगेंगे, लेकिन आप लोग ओवरऑल दोस्तों अगर इचिमोगो क्लाउड को फॉलो करोगे तो ज़रूर प्रॉफिट में ही जाओगे, टाइम देना पड़ेगा दोस्तों, हर एक चीज़ को टाइम देना पड़ सकता है। PEL अपना नेक्स्ट कैंडिडेट है, सॉरी PEL के बारे में डिस्कस नहीं करा, चार्ट नेगेटिव है दोस्तों तो इग्नोर करना चाहिए PEL को भी दोस्तों। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर बन जाती है, लेकिन अब डिटेल में समझेंगे तो वीडियो थोड़ी लंबी तो बनेगी दोस्तों। और पहले मैं खुद स्टॉक सेलेक्ट करके आप लोगों को देता था, लेकिन उसके अंदर दोस्तों मैं रिव्यू नहीं कर पाता था, लेकिन अब दोस्तों मेरी कोशिश है कि जो स्टॉक निफ्टी के टॉप 200 स्टॉक है दोस्तों उन्हें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, और
तीन चार दिन में दोस्तों हर एक स्टॉक का नंबर आ जाएगा, तो आप लोगों को मैं बताता रहूँगा कि प्रॉफिट बुक करना है या कहीं पर एग्जिट बन रहा है तो एग्जिट कर जाएंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए दोस्तों मैंने ये अपना नया तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। टोरेंट फार्मर में वेट करना चाहिए दोस्तों, चार्ट नेगेटिव है अभी। हालांकि निकलने की तैयारी कर रहा था ये स्टॉक, लेकिन निकल नहीं पाया, तो वेट करो दोस्तों, जब तक नहीं निकलेगा तब तक नहीं एंट्री लेंगे। HDFC AMC अभी चार्ट नेगेटिव है दोस्तों इसका भी, तो वेट करना चाहिए। NMDC हमारा नेक्स्ट कैंडिडेट है दोस्तों, और NMDC के अंदर क्या चल रहा है इसमें, जैसा कि मैंने बताया था दोस्तों, एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ रखी थी 158 पर, वहाँ पर मैंने कहा था डबल टॉप की सिचुएशन बनेगी तो प्रॉफिट बुक कर लेना। और अब 151 चल रहा है, तो भी और कुछ करना नहीं है, बाकी 50% आपने बुक कर लिया होगा मुझे उम्मीद है, और बाकी 50% में आप लोग राइड कर रहे होंगे, तो बाकी 50% अपने पास रखे रखो दोस्तों, उसमें राइड करते रहेंगे। अगर नेगेटिव होगा तो मैं अपने आप ही आप लोगों को बता दूंगा, और दोबारा प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आएगा तो वहाँ पर भी बता दूंगा। बंधन बैंक निकलने की पूरी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन वही बादलों से बार बार टकरा के नीचे आ जाता है, तो जब तक बादलों के ऊपर नहीं जाएगा दोस्तों हम स्टॉक को कंसिडर नहीं करेंगे, ध्यान रखना। बंधन बैंक के बाद दोस्तों अपना नेक्स्ट कैंडिडेट है बॉश लिमिटेड, काफ़ी महंगा स्टॉक है दोस्तों, 14-15 हज़ार का अकेले ही एक शेयर है, और लेकिन अभी काफ़ी नेगेटिव है दोस्तों, चार्ट काफ़ी नेगेटिव है तो इग्नोर करना चाहिए अभी। बॉश के बाद अपना नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों कॉलपाल, और कॉलपाल में देखते हैं क्या चल रहा है अभी। कॉलपाल में दोस्तों शायद मैंने आप लोगों को कहा होगा कि एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना 1527 के आसपास, और अगर आप लोगों ने करा होगा तो ज़रूर आप लोगों को बेनिफिट नज़र आ रहा होगा। बाकी 50% कैपिटल के साथ दोस्तों इस स्टॉक को राइड करूँ, बाकी 50% में आप लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा 1527 के आसपास। बायोकॉन अपना नेक्स्ट कैंडिडेट, और बायोकॉन में क्या चल रहा है दोस्तों देखते हैं। अभी तो दोस्तों ये बॉटम पे ही नाच रहा है, बॉटम पे ही एक्युमुलेट हो रहा है, तो जब तक दोस्तों चार्ट ऊपर नहीं आएगा कंसीडर नहीं करेंगे। बायोकॉन के बाद अपना नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों हिंद पेट्रो, और हिंद पेट्रो के अंदर क्या कहानी है, ये भी दोस्तों अभी बॉटम में ही डिंग डोंग कर रहा है, तो इसे बॉटम में डिंग डोंग करने दो अभी। PNB अपना नेक्स्ट कैंडिडेट दोस्तों, और इसका भी चार्ट आप लोगों को दिख ही रहा होगा दोस्तों नेगेटिव है। खबरें तो बहुत आ रही हैं कि पैसा रिकवर हुआ है, पैसा रिकवर हुआ है, लेकिन स्टॉक में जान नहीं आ रही दोस्तों। ACC अपना नेक्स्ट कैंडिडेट, और इसके अंदर भी मूवमेंट अभी नहीं है दोस्तों, चार्ट नेगेटिव है तो वेट करना चाहिए, एक बार उसके ऊपर आएगा क्लाउड के तभी कंसिडर करेंगे। ज्यूडस लाइफ अपना नेक्स्ट स्टॉक, और इसका भी चार्ट नेगेटिव ही दिख रहा है आप लोगों को, अभी कल परसों आया तो था कुछ फार्मा को लेके कोई न्यूज़ आ रखी थी दोस्तों, लेकिन उसका कुछ इफेक्ट इस स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा दिखा नहीं। ज्यूडस लाइफ के बाद अपना अबॉट इंडिया, अबॉट इंडिया काफ़ी महंगा स्टॉक दोस्तों, 16 हज़ार समथिंग का स्टॉक है, और चार्ट नेगेटिव है दोस्तों। आप लोग देखो यहाँ पर किस तरीके से ये बादल गेम प्ले करते हैं, स्टॉक वहीं पर जाएगा और टकरा के वापस यहाँ पर गया दोस्तों, टकराया बादलों से और नीचे। तो इचिमोकु क्लाउड काफ़ी अच्छा काम करता है दोस्तों। नेक्स्ट स्टॉक है UBL, और बॉटम में काफ़ी अच्छी कैंडल बना के ऊपर गया है, आज भी काफ़ी अच्छी कैंडल बनी है, तो लेकिन जब तक क्लाउड के ऊपर नहीं जाएगा दोस्तों स्टॉक को कंसिडर नहीं करेंगे। ओरो फार्मा के अंदर दोस्तों बाइंग आ चुकी है, आप लोग इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हो। अगर स्टॉक आपको अभी 685 चल रहा है, 666 के आसपास मिलता है तो ज़्यादा अच्छी एंट्री मानी जाएगी, 666 ध्यान रखना दोस्तों। और इसका जो टारगेट होगा दोस्तों 761 का होगा, अभी 685 के आसपास चल रहा है, 761 इसका टारगेट होना चाहिए। 761 के साथ ही
745 के आसपास दोस्तों डबल टॉप की सिचुएशन बनेगी। तो 761 की जगह अगर आप लोग 745 पे ही अपना प्रॉफिट 50% बुक कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नीचे अगर स्टॉक जाता है तो आप लोगों को ध्यान रखना है, 2685 चल रहा है, एक बार 647 पर एवरेज करना होगा। हालांकि मैं 666 पे कह रहा हूँ आप लोगों को कंसिडर करने के लिए, तो 647 पर ना लेके दोस्तों फाइनली आप लोग 579 के आसपास स्टॉक को एवरेज करोगे। पहले जब 579 के पास स्टॉक जाएगा आप उसे एवरेज करोगे, और अगर 2 दिन 579 के नीचे ही रहता है तो आप लोग अपनी पोजीशन से एग्जिट कर जाओगे। तो ओरो फार्मा मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया दोस्तों। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होती है आप लोग कमेंट्स में मेरे साथ ज़रूर अपनी कोई भी प्रॉब्लम है दोस्तों उसे शेयर करा करो। और अगर आप लोगों को दोस्तों प्रॉफिट हो रहा है तो उसे भी दोस्तों एक बार वीडियो के कमेंट्स में डाल दिया करो ताकि और लोगों को भी मोटिवेट मिले। जुबिलेंट फूड का चार्ट अभी नेगेटिव है दोस्तों, तो इग्नोर करना चाहिए। लुपिन अपना नेक्स्ट कैंडिडेट, और लुपिन के अंदर क्या चल रहा है, लुपिन का भी चार्ट दोस्तों नेगेटिव है तो अभी इग्नोर करना चाहिए। लुपिन के बाद यस बैंक, यस बैंक का चार्ट भी नेगेटिव है, इग्नोर करना चाहिए। यस बैंक के बाद पेट्रोनेट, और पेट्रोनेट में क्या दिख रहा है आप लोगों को दिख ही रहा है दोस्तों। और देखो इस स्टॉक के अंदर भी दोस्तों आप लोगों को खास बात दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, सीखना है तो टाइम तो देना पड़ेगा, वीडियो लंबी बन रही मुझे दिख रहा है। और यहाँ पर देखोगे आप लोग क्लाउड के ऊपर पर जस्ट ओपनिंग हुई थी, उसके बाद धड़ाक नीचे, तो जब तक क्लोजिंग नहीं होती है दोस्तों क्लाउड के ऊपर हम लोग स्टॉक को कंसिडर नहीं करते हैं। तो पेट्रोनेट एलएनजी का चार्ट फिर से नेगेटिव हो चुका है, इग्नोर करना चाहिए। अगला कैंडिडेट अपना आईजीएल, और आईजीएल भी दोस्तों अभी क्लाउड से काफ़ी नीचे, तो इसी स्टॉक को भी अभी कंसिडर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों हम लोगों ने भी निफ्टी के नेक्स्ट 50 स्टॉक को डिस्कस करा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। इसी आशा के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, धन्यवाद। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।